सुमेरपुर उपखंड मुख्यालय पर कोरोना महामारी में बनाए गए राहत शिविर में ठहरे 131 लोगों को प्रतिदिन दोनों समय भोजन परोसा जा रहा है। यहां रहने वाले में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक और गरीब शामिल हैं। ये लोग कोरोना के लॉकडाउन में काम छोड़कर पलायन करते हुए अपने घर के लिए निकले थे। इस दौरान प्रशासन ने राहत शिविर बनाकर यहाँ ठहराया। ऐसे महाराष्ट्र और गुजरात से आए हजारों की संख्या में लोग सुमेरपुर पहुंचे थे। यहाँ की भोजन व्यवस्था के लिए समाजसेवी तखत सिंह राठौड़ के साथ ही मुकेश मोदी चाणोद, मनीष सोलंकी, चंद्रवीर सिंह और श्रवण कुमार दिन रात जुटे हुए हैं। जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन ने शिविर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर ने भामाशाह राठौड़ और उनकी टीम की प्रशंसा की। वो 31 तारीख से यहाँ कैंप रखा गया है। पहले आश्रय स्थलों में थे अलग अलग चार जगहों पर, उनको सबको मर्ज करके यहाँ एक जगह पे लाया गया है। उस टाइम में यहाँ 155 की तादाद थी और आज की टाइम में 131 लोग यहाँ हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों से है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75, बिहार के 24, पंजाब के 6, मध्य प्रदेश के 3, गुजरात के 1 और राजस्थान से करौली के 5।